विक्ट्री इज अ विक्ट्री वे बिल्कुल सही कहा है भाई ये तीन पॉइंट मैटर करते हैं एट द एंड ऑफ द डे एंड इन्हीं तीन पॉइंट्स की मुझे खुशी है इन्हीं तीन पॉइंट की खुशी में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बट बट ठीक है एटी एट मिनट टर्स ने एक लॉन्ग बॉल डालता है विलरियाल का डिफेंडर बैक पास करने की खुशी करता है हेडर के थ्रू और हक देता है डी पे कैपिटलाइज करता है कीपर को कीपर को घूम के देन ही स्कोर द गोल एंड द कमेंटेटर से फुटबॉल कैन बी वेरी क्रूअल समटाइम्स और एंड और ये एक ऐसा मोमेंट था जब जहाँ पे आई कोड एग्री मोर एंड ऑल्सो डोंट गिव अ फक क्योंकि मेरे लिए तो भाई बादशाह जीतनी थी एंड वो जीत रहे थे उस बात की खुशी थी मुझे हाँ हाँ, हाँ हम बाकी सारी बातें भी करते रहेंगे बहुत कुछ है डिस्कस करने को बट तुम लोगों का ना एक मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए एक ऑनेस्ट फीलिंग चाहिए हाँ ठीक है एक बालोना फैन मतलब अंदर से जो तुम्हारा बासलोना फैन है ना उसको ज़रा हटा के एक बारी एज अ टीम बालूना कंसिडर करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाइक like, एक नंबर वाइज बताओ वे डू यू सी बालूना फिनिशिंग बाय द एंड ऑफ द सीजन मुझे मुझे बताओ लाइक like, बस एक एक नंबर बताओ ठीक है बाकी सारी बातें बाकी कॉमेंट्स अलग लेकिन एक कॉमेंट तुम्हें करना है फर्स्ट मत लिखना फर्स्ट बिल्कुल फर्स्ट एलिमिनेटेडेड है तुम्हारे लिए बट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एटथ तुम कहीं तक भी जा सकते हो इफ़ यू आर टू बार फैन ज़रूर बताना मुझे कॉमेंट्स में कि वे डू यू सी बा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ज़्यादातर फैसपेक्टेशन रखते हैं इस बार्सलोना से बाय द एंड ऑफ द सीज़न ला लीगा में बहुत कम होता है ये रियलिटी की बात है कि ला लीगा में बहुत कम होता है कि बारसलोना पोजेशन वाइज डोमिनेट होती है विलरियाल के अगेंस्ट विलरियाल हैड अबाउट फिफ्टी वन परसेंट फिफ्टी टू परसेंट ऐसे कुछ एंड माइनॉरिटी uh, minor में थी बार्सलोना ज़्यादा फ़र्क नहीं था बट था कंपेरेटिवली बट बहुत सारे स्टैट्स हैं जो जाते हैं बारसलोना के अगेंस्ट इस मैच में वेदर इट कुड बी दैट दे गोट डोमिनेटेड कि या फिर उन लोगों ने इतने सारे चांसेस छोड़े दे कुड हैव एंडेड द गेम इन द फर्स्ट हाफ इट सेल्फ सेकेंड हाफ में एंट्री हुई तो लाइक like, गेम बहुत ज़्यादा फिजिकल थी गेम बार्सलोना के बाहर तक थी कई हद तक औकात के बाहर तक थी पहला गेम शावी का पहला गेम एस्पेनियोल के साथ विन थी कन्विंसिंग नहीं थी ठीक है दूसरा गेम अगेंस्ट विलारियाल इन लालीगा इन लालीगा विन थी कन्विंसिंग नहीं थी ठीक है अब भाई बासलो फैंस अगर तुम इस चीज़ को लेकर रोते हो ना तो यार छोड़ दो या तुमने देखना ही छोड़ दो तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें कन्विंसिंग चाहिए तुम्हें विन चाहिए क्योंकि एट दिस मोमेंट मैं तुम्हें बता हूँ तो, देखो अगर तुम चाहोगे ना हमें कन्विंसिंग गेम चाहिए चाहे तुम गेम हार जाओ भाई देखो ऑनेस्टली सिंग उसके बाद नेक्स्ट सीजन तुम नहीं बैठोगे ना तुम हो गए टॉप ऑफ ना तुम चैंपियंस लीग खेल रहे होगे एंड अगर तुम फिर ले लो ना तुम्हें जो खेलना तुम्हें फुटबॉल वो तुम यूरोपा लीग में खेलता रहा ना वो भी अगर तुम किसी तरह यूरोपा लीग पहुंच पाए एट दिस स्टेज वी नो कि भाई देखो बादशाह को टाइम तो लगना ही है हाँ हम आएंगे और भी डिटेल में बात करेंगे बट ऊपर ऊपर से अगर मैं बात करूँ तो देखो बादशाह को टाइम लगना ही है देन वाई नॉट कि हम लोग अगर क्रॉल कर करके विक्ट्रीज ले रहे हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी विक... बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है एंड ठीक है अब हम आते हैं इस गेम के ऊपर पर्टिकुलरली एज ए सेट कि कहीं ना कहीं फ़र्स्ट थर्टी मिनट्स के बाद की अगर मैं बात करूँ या थर्टी थर्टी फाइव मिनट जो भी है स्पेशली सेकेंड हाफ कम्प्लीटली डोमिनेटेड बहुत ज़्यादा फिजिकलिटी थी इन ऑफकोर्स भाई इट इज़ ऊना एमरी उसकी विला रियाल हाँ वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया था आई नो वो सब वो सब ठीक है लाइक बट ऊना एमरी उनकी विला रियाल इज़ यू ऑल नो हाउ गुड इट इज़ लाइक अगर उन लोगों को ड्रॉ निकालना है दे यूजअली अगर उन लोगों को ड्रॉ के लिए खेलना है तो वो उन लोगों के खिलाफ तुम गोल मार ही नहीं सकते एंड इन द एबसेंस ऑफ देयर मेन मैन जराड मोरनो कहीं ना कहीं दिख रहा था कि दे इज़ ऑल दो द डोमिनेटेड द नंबर ऑफ चांसेज क्रिएटेड बट स्टिल क्लिनिकलनेस नहीं थी चौदह चांसेस क्रिएट करे बट चौदह शॉट्स लिए बट स्टिल उनके अंदर सिर्फ दो शॉट्स ऑन टारगेट तो इसी से तुम्हें पता लग जाता है कि, कि किस हद तक क्लिनिकलनेस मिस थी उनके अंदर एंड टू बी ऑनेस्ट अगर उन लोगों के अंदर ये ये जो चा बिला रियाल एक बहुत क्रिएटिव साइड है बहुत क्रिएटिव साइड है उन लोगों को पता होता है कि ओपोनेंट के कहा गेम स्टार्ट होते ही उन्हें पता लग गया कि एरिक गासिया हाँ मैं आऊंगा गेम स्टार्ट मैं आऊँगा इसके ऊपर कि एरिक गार्सिया को स्टार्ट करना एक सही डिसीजन था नहीं था लॉन्ग टर्म वाइज क्या सिनेरियो है बट ठीक है अभी हम देखते हैं कि गेम स्टार्ट होते ही रियल को फिगर इट आउट कि एरिक गार्सिया वाला विंग एरिक गार्सिया और अरहो की केमिस्ट्री नहीं है वो विंग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉटब है एरिक एरिकासिया ज़्यादा वाइड आ रहा है बहुत ज़्यादा स्पेस बन रहा है बिटवीन एरिक गासिया एंड अराउ क्योंकि एरिक एरिकासिया अपने विंगर को मार्क करने के लिए ओ, क्या कहते हैं फिलहरयाल के विंगर, विंगर को मार्क करने के लिए बाहर जा रहा था जो आई थिंक उसको नहीं जाना चाहिए था उसे पीछे रहना चाहिए था बट एट द सेम टाइम वी नो क्योंकि उसके अंदर इतनी स्पीड नहीं है तो एक बारी अगर वो वन ऑन वन आ जाता उस विंगर के साथ देन इट कुड हैव बीन अ ग्रेट चांस कि वो बीट हो जाता एंड देन गोल पड़ जाता ठीक है सिंपल सी बात है बट जो वो वाइट जा रहा था द मिड फील्डर सॉ स्पेशली वरियाल के जो फीडर्स हैं उन्होंने देखा कि भाई स्पेस बन रही है एक्सप्लॉयड करो एंड उन्होंने किया विलाल ने ऐसे बहुत सारे चांसेस बनाए दे कुड हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स बट ठीक है वो हग रहे थे एज अ बासा फैन आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट लेकिन अब हम बात करते हैं बार्सिलोना के बारे में ऑनेस्टली सेइंग अगर तुम बार्सिलोना का प्लेइंग एलेवन देखो कीपर को हटा दो आगे अगर फ्रंट टेन मैन देखो आगे के उनके अंदर पांच ऐसे यानी आधे ऐसे लोग हैं जो कि आर एक्चुअली न्यू बीस अगर तुम कहो तो हाँ न्यू बीस या तो वो बादशाह बीस आए हुए हैं तुम, तुम गिन लो डी पे न्यू टू द स्क्ॉड हाँ न्यू टू द गार्सिया न्यू टू द स्क्ॉड आप बी प्लेयर गावे न्यू गावी न्यू टू द स्कॉड निको न्यू टू द स्क्ॉड बचे कौन एलबा ठीक है पी के और कौन बचा हाँ बुस्केट्स और अपना फ्रेंकी तो ये जो पांच प्लेयर बचे इन पाँचों के अंदर यू कैन सी कि बाकी पाँच प्लेयर के अंदर इट इज़ लाइक यू सी अ अील बट एट द सेम टाइम यू सी अ लैक ऑफ मेच्योरिटी हाँ तुम्हें मैं तुम्हें फील्ड में ये सी बहुत बार तुम्हें दिख जाएगा लाइक like, आपडे बहुत बारी ऐसा आया लाइक like, दो बारी चांसेस था जब आपे कोड है स्कोर्ड एंड एक रन आप का फोर्टी सेकेंड मिनट पे फ्रॉम नॉट रॉन्ग वॉज कंप्लीटली अमेजिंग बट लाइक एज अ सेट कि दिखती है मेचोरिटी लैक करती है ही वेंट इन एंड फ्रेंकी उसके सामने खड़ा था फ्रेंकी बॉल मांग रहा था कि बॉल छोड़ दे एंड आपडे डिसाइडेड टू तो किक इट लाइक गोल के अंदर उससे डाल दिया कहीं भी बट इन शॉर्ट डिसीजन मेकिंग लैक करती है एरिक एरिकासिया के अंदर डिसीजन मेकिंग लैक करती है हमने देखा आर ओ हो और उसके बीच में केमिस्ट्री नहीं बन रही थी सिंपल डिसीजन मेकिंग लैक करती है हम आगे देखें गावी नीको उनका वर्क रेट पूरा प्रॉपर दिखता है फील्ड के ऊपर क्या गावी तो स्पेशली निकल के आ जाता है पूरा का पूरा गावी की परफॉर्मेंस अगेन अमेजिंग निको की भी कहीं हद तक आई वुड से वेरी वेरी दोनों प्लेयर्स की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस बट देन देर आर मोमेंट्स वेन यू रियलाइज कि ठीक है यार एज एक फैक्टर प्ले कर रही है इन दोनों के अंदर वेदर इट बी फिजिकलिटी या फिर वेदर इट बी डिसीजन मेकिंग वेदर इट बी टू यू नो पिक द राइट पास पिक द राइट पर्सन एंड फिर हम आते हैं भाई डीपे के ऊपर तो जो डीपे का सिनेरियो है इन दिस बार्सिलोना इट इज़ वेरी डिबेटेबल क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं भाई देखो डीपे हगा आज के मैच में बेनफिका वाले मैच में डीपे हगा और ठीक है तुम कह सकते हो स्पेनल वाले मैच में भी मतलब इन शॉर्ट डीपे की फॉर्म इज नॉट रियली सैटिस्फैक्ट्री जिस हिसाब से पिछला सीजन उसका गया उस हिसाब से उसका ये सीजन नहीं चल रहा कई लोग कहेंगे ओवर हाइप्ड है बट देन इफ यू लुक एट बार्सलोना एंड यू लुक एट बार्सलोना प्लेइंग तो तुम लोग बहुत बारी देखोगे कि बार्सलोना डोंट रियली हैव अ स्ट्राइकर एनी वन एल्स एक्सेप्ट डी पे इट इज़ लाइक उनकी एक डिफेंडर और मिडफील्ड की एक पूरी दो लाइन्स रहती हैं एंड देन आगे देर इज़ मेम्फिस इज पे जिसको सपोर्ट करने के लिए बहुत भारी कोई नहीं होता तो इट इज़ लाइक यू कैन क्रिटिसाइज़ हिम एट मोमेंट मैं इसलिए डीपे को क्रिटिसाइज नहीं करता क्योंकि एक मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बोला है कि किसी भी बासरोना पे प्लेयर को क्रिटिसाइज़ करने का मन सिवाय लूक ड्योंग के लूक ड्योंग को भर भर के गाली दे, दे लो बट उसके अलावा किसी भी बासरोना प्लेयर को क्रिटिसाइज़ करने का मतलब है कि तुम्हारे पास जो भी रिसोर्सेज है तुम उन्हीं को गालियाँ निकाल रहे हो एंड यू यू आर नॉट गेटिंग समवन एल्स बट अगर हम न्यू नॉट गेटिंग एल्स की बात करें तो फेर एन टॉरिस बट बात हो रही है फेर एंड टॉरिस माइट कम टू बार्सलोना पर्सनल एग्रीमेंट हो चुका है भाई पचास मिलियन आई हैव नो आइडिया कि किस तरह अफोर्ड कर रहे हैं क्या टर्म्स है क्या एग्रीमेंट है अभी ज़्यादा डिटेल क्योंकि पक्की खबरें नहीं है मैं तुम लोगों को बता दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है बट स्टिल येस खबर है कि हाँ फेर एंड टॉरिस माइट कम टू बार्सलोना और पर्सनल एग्रीमेंट तो कम्प्लीटली हो चुकी है ग्रेट न्यूज़ भाई ग्रेट न्यूज़ इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है बार्सिलोना के लिए मैं तो मैं तो मतलब तो अपने फीफा करियर मोड में भी साइन करने वाला हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बट ठीक है बार्सिलोना रियली नीड अ स्ट्राइकर अ अ प्लेयर लाइक लाइक ऑफ कोर्स लाइक हिम इन द स्क्वाड और फेरन एंड टॉरेस कैन प्रोवाइड अ लॉट बट ठीक है हम उसके अंदर तब डिटेल में जाएंगे जब फेरन एंड आ जाएगा अभी करने अभी बात करने का अच्छा मतलब होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं फिर होने नहीं वाली तो बकचोदी चूतिया खड़ जाएगा हमारा नॉट टॉकिंग अबाउट आर नेक्स्ट कमिंग गेम्स रियाल बैटेस इज़ नेक्स्ट उसके बाद आती है बायन रियाल बेटिस से जीतने का मतलब है कि एटलीस्ट हम लोग लाइक like, क्रिसमस से पहले एक कहता होता है ना क्रिसमस तक एक एक एस्टिमेट लग जाता है कि हम सीजन में कहाँ फिनिश करेंगे तो इट इज़ लाइक अगर हम रियाल बेटिस से जीतते हैं जीतते हैं ड्रॉ नहीं जीतते हैं तो इट इज़ एक काइंड ऑफ एक सॉलिड परफॉर्मेंस रहेगी बाय द एंड ऑफ द ईयर तो एक काइंड तो ऑफ एक फिनिश रहेगा हमारा अंडर द टॉप फाइव टॉप फाइव आई थिंक अभी हम लोग छठे सातवें चल रहे हैं सातवें चल रहे शायद बट स्टिल हाँ मतलब उनसे जीतना इज वेरी इंपॉर्टेंट बट अगर हम रियल बैटर्स को देखें भाई देयर परफॉर्मेंस वेरी गुड बार्सलोना से एक स्टेज ऊपर है एक एक रैंकिंग ऊपर है एंड देन उसके बाद तुम से कंसीडर करते हो कि बार्सलोना आर नॉट एबल टू डिफ़ीट रियल बैटर्स तो देन एक तो मोरल भाई अभी अभी ना बहुत सही मोराल चल रहा है बासलोना का अंडरशावी बासलोना के प्लेयर्स का बट एक बारी ये मोरल अगर चुत गया रियल बैटर्स का अगेंस्ट अगर चुट गया तो इट इज़ लाइक नेक्स्ट गेम तुम्हारी बायन बायन लाइक like, मैंने जब वीडियो बनाई थी कि बारसोलोना माइट गो टू यूरोपा लीग तो बहुत सारे प्लेयर्स बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार ये ये तो बहुत नेगेटिविटी होगी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी बट आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी रियलिस्टिक कि देखो बारसोलोना माइट माइट डिफीट बायन वी माइट गो ऑन टू द नॉकआउट नॉक आउट स्टेजेज बट मैं ये कह रहा था कि देखो अगर हम यूरोपा खेलते हैं तो ज़्यादा चांस है कि हम लोगों के पास एक ट्रॉफी आएगी ये वान टीम का ठीक है वो सब अलग बक्च होती है वो सब अलग में कवर करेंगे बट अगर हम रियल बेटिस वाले गेम की बात करें ना अगर हम वो जीत जाते हैं देन जो गोइंग इन टू दैट बायन गेम वुड बी सो मच मोर इजियर हम लोग ला लीगा में कम्फर्टेबल स्पॉट पर होंगे हमारे प्लेयर्स यू नो थ्री मैचज थ्री लीगा मैचे इन अंडर अंडर द न्यू मैनेजर शावी फोर मैच अनडिफीटेड और तीन मैचेस तीन विक्ट्रीज चाहे जैसी मर्जी विक्ट्रीज हो फ़र्क नहीं पड़ता स्क्रैपी विक्ट्रीज डोंट मैटर इन दी एंड तीन पॉइंट मैटर करते हैं बिकॉज दैट इज़ वॉट यू हैव टू टेक लीग में तुम्हारे वही तीन पॉइंट मैटर करते हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे आज की गेम देख के कि यार सेटिसफैक्ट्री विन्स नहीं आ रही सेटिसफैक्ट्री विन्स नहीं आ रही यार मत डिमांड करो सेटिसफैक्ट्री विन्स डिमांड ही मत करो इट इज़ लाइक यू जस्ट नीड टू बी हैप्पी कि हमें ये तीन पॉइंट मिल रहे हैं वरना ये बात वरना नहीं डिजर्व करती थी, वही घूम फिर के आ जाते हैं हम ये बात पर कि बारसलोना जब डिजर्व ही नहीं करती उनको पॉइंट मिल रहे थे उन पॉइंट की खुशी मनाओ ना बारसलोना को टाइम तो दो कि वो लोग सेटिस्फैक्ट्री विन्स निकाल कर ला पाए वन मोर थिंग जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेम्बेले एंड क्यूटीनियो इन द स्क्वाड हाँ मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मानो ना मानो ये वो दो प्लेयर्स हैं तो मुझे पता ही होगा जिनको भाई बार्सिलोना ने नेमार वाले पैसे से ख़रीदा था कतई पनौती लगी थी हमारे ऊपर उसके बाद एंड कंसिडरिंग कि ये दोनों प्लेयर हमारे अंडर तो सक्सेसफुल हुए ही नहीं फिलिपे कुतिनियो गया था बायन गान मार के आ गया और डेम्बेले हमारे यहाँ पे इंजर्ड ही रहता है बट नाउ एक शावी के सिस्टम में वी कैन सी दीज टू प्लेयर्स डोल वी कैन सी कि इनका कॉन्फिडेंस बढ़े कुत्यो उसके ना बॉडी बा, बा, लैंग्वेज के अंदर एटीट्यूड आ गया है और एटीट्यूड इट्स लाइक नॉट इट इट इज़ अपने लिए एक एटीट्यूड आ गया है और नेगेटिव एटीट्यूड कि ही इज़ नॉट हैप्पी विद हिमसेल्फ उसकी उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही आ चुका है बट विच इज़ नॉट एट ऑल गुड विच इज़ नॉट एट ऑल गुड एट द सेम टाइम डेम्बेले इट इज ए वो भी फील्ड पर उतरता है एक्सपेक्टिंग हिम सेल्फ कि भाई मुझे एक तो फिट रहना है बच के रहना है बट एट द सेम टाइम आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ तो ये ठीक है अच्छी बात है मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी जी ली नहीं होनी चाहिए टू यू नो परफॉर्म बट ये ये जो नेगेटिविटी है अबाउट दिन सेल्व्स ये जो विद ये ये ना टाइम है कि इन्हें रॉन्ग प्रूफ करें अपने आप को भी अपने क्रिटिक्स को भी तो कई लोग कहते हैं कि अब टाइम है कि भाई कुतियों को बेच देना चाहिए आई थिंक कुछ तीनों को बेचने का टाइम निकल चुका है मुझे नहीं पता कि उसके लिए कैसे ऑफर आएंगे कब आएगा हाँ ठीक है न्यूकासल कैन भी वन ऑफ़ द ऑफर्स जहाँ वो जा सकता है और अगर वो नहीं जाता तो आई कैन सी हेम प्रोवाइडिंग गुड थिंग्स टू द टीम मैं ये आज के, भाई ही इज़ अ वेरी टेक्निकल प्लेयर ही इज़ अ वेरी टेक्निकल प्लेयर एक बहुत अच्छा ड्रिबलर लॉन्ग शॉट्स लेता है इट इज़ लाइक ही इज़ अ सरप्राइज एलिमेंट इन आर मिडफील्ड तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है उसके बट एट द सेम टाइम नेगेटिव भी है कि परफॉर्मेंस नहीं निकलती एनर्जी लेवल नहीं है वर्क रेट नहीं है डिम्बे ऑन दी अदर हैंड इज अ कम्प्लीट पैकेज उसको बस फिट रखना है एंड यू हैवन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वल्ड इन योर टीम हाँ मेरे लिए तो ऑफकोर्स अगर वो फिट रहता है तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स द वर्ल्ड तो ठीक है इट इज़ लाइक दीज दो प्लेयर्स का इन्वालमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन बार्सलोना इस सीजन के अंदर तो अगर बार्सलोना को चाहिए वो चैम्पियंस लीग ब्रैकेट इन दोनों का फिट रहना बहुत ज़रूरी है